फ्रेंड्स, हमारे अंडर आर्म्स जितने ज्यादा गोरे होते हैं उतने ही ज्यादा सॉफ्ट होना भी उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे अंडर आर्म्स बहुत ज्यादा गोरे हो लेकिन बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमारा लुक भी खराब हो सकता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अंडर आर्म्स को सॉफ्ट बनाने के कुछ आसान से तरीके। दोस्तों, अंडर आर्म्स को सॉफ्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्लीनिंग से शुरुआत करनी चाहिए। अंडर आर्म्स के अनचाहे बालों को हटाने के लिए आपको रेजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको वैक्सिंग करानी चाहिए। वैक्सिंग कराते समय आपको थोड़ा दर्द जरूर हो सकता है, लेकिन ये आपके अनचाहे बालों की ग्रोथ को तो कम करता ही है बल्कि आपके अंडर आर्म्स को सॉफ्ट बनाने में भी आपकी मदद करता है। इसी के साथ साथ आप चाहें तो कुछ घरेलू चीजों को भी अपने अंडर आर्म्स पर लगा सकती हैं, जैसे कि आलू का रस। आलू का रस बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, बहुत ही ज्यादा सटल होता है। इसे अगर आप अपने अंडर आर्म्स पर लगाती हैं तो ये ना केवल आपके अंडर आर्म्स को कोमल या फिर सॉफ्ट बनाता है बल्कि अंडर आर्म्स के कालेपन को दूर करने के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है। इसी के साथ साथ आप चाहें तो अपने अंडर आर्म्स पर नींबू और बेकिंग सोडा भी लगा सकती हैं। ये आपके अंडर आर्म्स को सही तरीके से क्लीन करके उन्हें सॉफ्ट बनाने में आपकी मदद करेगा। आप चाहें तो दही और बेसन को मिक्स करके अपने अंडर आर्म्स पर पैक की तरह लगा सकती हैं और सूखने के बाद इसे वॉश कर दीजिए। हर एक हफ्ते में अगर आप इसे एक बार करती हैं तो ये आपके अंडर आर्म्स को सॉफ्ट बनाने में आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को सॉफ्ट बनाने के लिए रोजाना अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपने अंडर आर्म्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने अंडर आर्म्स पर भी हमें अच्छे तरीके से मसाज करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंडर आर्म्स को सॉफ्ट बनने में काफी मदद मिलती है। सो दोस्तों, ये आसान से तरीके जरूर आजमाइए ताकि आपके अंडर आर्म्स गोरे और सॉफ्ट दोनों ही बन सकें। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।